भाई एक चीज है, रिक्वेस्ट यार मेरे से पहले मत डाल देना व्लॉग, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो गाइस आज का ये जो व्लॉग है ये शुरू होता है जी आरती के मायके से, क्योंकि हम लोग आए हुए हैं आरती के मायके, मतलब मेरे सास और ससुर के यहाँ पे। तो आपको पता होगा, कईयों को जो हिमाचल के लोग हैं उनको पता होगा कि 15 अगस्त से क्या होता है कि काले महीने की शुरुआत होती है। तो उसमें क्या होता है कि नवी दवेली जो दुल्हन होती है वो 15 दिन से एक महीने तक वो अपने मायके में रहती है। उसे मैं यहाँ पे छोड़ने आया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, वो 15 दिन एक महीना यहाँ पे रहेगी, जितने दिन मतलब वो रिवाज होता है 15 दिन रहते हैं या फिर एक महीना जितने भी रहते हैं उतने दिन आरती यहाँ पे रहेगी। अभी मैं तैयार होके बैठा हूँ, मैं जा रहा हूँ अभी घर, और आरती हर बार की तरह यहाँ पे फिर से चुन्नी ओढ़ के बैठी हुई है। आरती जाऊँ मैं फिर, ये देखो जैसे मेरा कैमरा इधर करा और चुन्नी नीचे होगी। चलो ठीक है आरती, फिर जा रहा हूँ मैं। अच्छा आज भी नहीं दिखना क्या? अच्छा मुंह से तो बोल दो कुछ, मुंडी हिलानी है फिर। और यहाँ पे देखो ये आरती की भांजी है, इसका नाम है माही। माही आप क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ चलोगे घर? मुंह से तो बोलो कुछ भी। अच्छा मैंने सोचा आप भी आरती की तरह कुछ नहीं बोलोगे। और आरती की एक ये भांजी इस्मायरा, मायरा इधर आओ, इधर आओ, मैं आपका वह फोटो ले रहा हूँ, इधर आओ, आओ इधर। क्या बन गई है, क्या बन गई चुम्मा? बोलो क्या बन गई, मैथी बन गई मैथी? ये मैगी को बोल रही है मैदी बन गई आज खाने। तो अभी जी मैं आरती को छोड़ के आ चुका हूँ, मार्केट में पहुंचा हूँ, और देखो आप कौन मिले यहाँ पे मुझे। शंकर हर हर महादेव। और भाई कैसे हो तुम? बढ़िया बढ़िया भाई, आप बताओ। बढ़िया भाई। तो अज्जू मिले यार, तो यहाँ पे अज्जू आया है भाई फ्रिज लेने। यहाँ पे आप देखो हम लोग शॉप पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे अज्जू ने फ्रिज सेलेक्ट की है। कौन सी भाई? दूसरे रूम में। अच्छा दूसरे रूम में रखी है, और साथ में आया है रवि भी। तो रवि का जो कमरा है अब मुझे लग रहा है पहले ठंडा था अब गर्म हो रहा है। तो इसलिए क्या है कि फ्रिज ले ली उसने, तो यहाँ पे रखा है, वो सामान लेने गया है थोड़ा। तो अभी हम लोग उसकी वेट कर रहे हैं यहाँ पे, आपको फ्रिज भी दिखाते हैं उसके बाद, तो कौन सी है और कौन सी नहीं दूसरे रूम में जाके। और भाई अज्जू आजकल ब्लॉग नहीं आ रहा भाई, क्या बात है यार, सारी पब्लिक आपको मिस कर रही है। थोड़ी कंडीशन हमारी है तो आ जाएंगे ब्लॉग जल्दी। अच्छा तो अज्जू भाई की थोड़ी तबीयत खराब है अभी भी, ऐसा लग रहा है जैसे तप रहा है ये धूप की वजह से, कि पता नहीं बुखार वगैरह कोरोना तो नहीं हो गया ना। पता नहीं भाई, तो जल्दी ब्लॉग आएगा अज्जू भाई का भी यार, जैसे तबीयत सही होगी इसकी। और यहाँ पे देखो आप, तो ये रवि भाई का कैमरा यहाँ पे रखा हुआ है, हिमाचल वाले का कैमरा यहाँ पे, ये पता नहीं क्या देख रहा है यहाँ से सामने की और व्यू देख रहा है मे भी। और यहाँ पे ये छोटा सा बस स्टैंड यहाँ पे हमारे यहाँ का, और व्यू की बात करें यहाँ से तो काफी ज्यादा औसम है। और गाइस जो रवि ने फ्रिज ले रखी है वो ये है एलजी की, और इसका मॉडल है GL221, काफी बड़ी लग रही है देखने में। तो बाकी आपको ये हिमाचल वाले के वीडियोस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगी कैसी है अंदर से कैसी नहीं। 5 minutes later रवि की वेट करते करते हमें लग गई भूख, अज्जू को भी, अज्जू भूख लगी भाई? तो ऐसे में हम ये तंदूरी पैक करवा रहे हैं, तंदूरी चिकन। तो अभी देखते हैं जब वो आएगा उसके लिए बचेगा या नहीं, अगर जल्दी आ गया बच जाएगा, अगर नहीं आया तो भाई हम लोग फेल जाएंगे, तो देखते हैं कब आता है। तो अभी यार गाइस बहुत देर वेट करने के बाद भाई पहुंच चुके हैं। तो ये रहे तो सबसे पहले तो भाई शादी की बहुत बहुत मुबारक है भाई। थैंक यू कितनी बार मुबारक दोगे यार। और मैं भाई मतलब सच बताऊं तो लड़के की शादी करने से पहले जो चेहरा था और आज की डेट में जो चेहरा है भाई काफी बदल चुका है, मतलब चमक आ गई है भाई। बस अभी आपकी भाभी पूरा ख्याल रख रही है ना, ये भी है भाई। अभी तो कहाँ से भाभी ख्याल रखेगी, एक्चुअली अगर बताया नहीं है तो मैं बता देता हूं, बता दिया ना ऑलरेडी, तो भाभी को तो भाई छोड़ के आ गए हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ख्याल अब वही जिंदगी होगी भाई अकेले वाली। वैसे देखो अंदर से कितना खुश हो रहा है लौंडा भाई, बिल्कुल भाई, ये फीलिंग तो आती ही है ना, है ना। चलो ठीक है, फिर से एक बार मैरिड लाइफ तो हो गई है, अभी 10-15 दिन के लिए जब तक भाभी नहीं आ जाती है तब तक फिर से अनमैरिड लाइफ, कांग्रेचुलेशन। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। पहले ये बताओ मेरे ब्लॉग में आके भाई कैसा फील हो रहा है?
किस्मत खुली किस्मत नहीं भाई ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ यार, बिल्कुल खुल गई, मजाक कर रहा हूँ भाई, भाई के ब्लॉग में आ गया, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे तो स्पेशली। और भाई ने जो गिफ्ट मुझे दी थी भाई आप सबको पता ही है यार, मतलब यार सही में बोलूं तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसी गिफ्ट मिलेगी मुझे, उसके लिए भाई थैंक यू यार, लव यू भाई, थैंक यू नहीं बोलते हैं गिफ्ट में, कोई बात नहीं भाई, थैंक यू बिल्कुल नहीं, ठीक है, थैंक यू, बस एक बार मतलब दिल से निकल गया ना भाई, लव यू यार, ठीक है ब्रो, लव यू टू मेरे भाई, ठीक है। तो अभी रवि भाई जा रहे हैं, वो गाड़ी लगी है फ्रिज वगैरह वहाँ पे रखे हुए हैं, तो अभी मैं भी जा रहा हूँ घर, तो अब सरप्राइज गिफ्ट। और भाई एक चीज एक रिक्वेस्ट यार, मेरे से पहले मत डाल देना व्लॉग, नहीं तो लोगों को पता चल जाएगा सरप्राइज क्या था, बिल्कुल पता है कि मेरे घर वाले भी एक्चुअली मेरे दोस्त के व्लॉग देखते हैं तो उनको पहले से पता चल जाएगा कि अच्छा फ्रिज आया गिफ्ट में, तो वही शो हो जाएगा, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, मैं आपके व्लॉग के बाद ही डालूंगा, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं यार, डाल देना तो क्या हो गया, ठीक, चलो ठीक है जी, अभी इसको रवि भाई को करते हैं बाय, ठीक है ब्रो, okay, चलता हूं मैं भी गाइस, एंड रवि भाई को फुल सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, रवि भाई आपसे फिर आपसे तो मुलाकात होती रहती होती रहती है, आपसे भी जल्दी होगी, ठीक है, तो चलो चलता हूं फिर, चलो ठीक है, बाय बाय, ओके बाय। तो गाइजर अभी अज्जू और रवि से मिलने के बाद मैं पहुंच रहा हूं घर में, बस कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, तो अभी खाना बनाना भी मुझे खुद ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है आरती चली गई है मायके, तो ऐसे में आरती यहाँ पे थी तो खाना बना बनाया मिलता था सुबह शाम, तो कोई टेंशन नहीं थी खाना बनाने की, तो अभी क्या है कि मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। और हाँ, आप सभी को ये शिकायत होती है कि मेरी आवाज़ जो है ब्लॉग में वो काफ़ी ज़्यादा कम आती है, तो वो आपकी शिकायत दूर होने वाली है, क्योंकि मैंने माइक जो है वो ऑर्डर कर लिया है, तो बस दो चार दिन में आ जाएगा, एक दो ब्लॉग में आप एडजस्ट कर लो बस, उसके बाद अच्छी वॉइस आएगी, माइक जैसे ही आ जाएगा उसके बाद तो फिर सही हो जाएगा सब। अभी के लिए आज किस ब्लॉग को यहीं पे अब एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको काफी हद तक अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और हाँ अच्छा लगे तो आप सोशल मीडिया पे भी शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए हो चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा दोस्तों।